क्या वक्फ बोर्ड ने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्ध विनायक मंदिर पर दावा किया? पिछले कुछ वक्त से ये ग्राफिक शेयर करते हुए इस दावे को आगे बढ़ाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। महाराष्ट्र इलेक्शन के मद्देनजर ये क्लेम वायरल हुआ और साथ में मतदाताओं से अपील की गई कि वो कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को वोट न दे। भाजपा विधायक नीतीश राणा, पत्रकार अभिजीत मजूमदार समेत कई राइट विंग अकाउंट्स ने इस दावे को दोहराया है। व्यूअर्स गौर करें कि वायरल ग्राफिक में सकाल न्यूज का लोगो है और इसके चलते यूजर्स इसे एक असली ग्राफिक मानते हुए शेयर कर रहे हैं। हालांकि सकाल न्यूज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह स्पष्ट किया कि ये ग्राफिक न ही उन्होंने पोस्ट किया है और न ही उनके आउटलेट का इससे कोई लेना देना है। सकाल न्यूज ने डिटेल में ये फैक्ट चेक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने वायरल ग्राफिक और उनके संगठन के ग्राफिक के बीच की असमानताएं पॉइंट आउट की थी, जैसे कि ये लोगो और टेक्स्ट एवं तस्वीर का अलाइनमेंट। सिद्ध विनायक मंदिर के ट्रेजरर और भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट पवन त्रिपाठी ने इस पूरे मामले पर ये कहा। श्री सिद्ध विनायक मंदिर मुंबई की आन बान शान है। पूरे विश्व में रहने वाले सभी सनातनियों की श्री सिद्ध विनायक मंदिर के ऊपर श्रद्धा है, इसलिए श्री सिद्ध विनायक मंदिर पर कोई भी बोर्ड कब्जा नहीं कर सकता है। यह सभी गणेश भक्तों का मंदिर है और गणेश भक्तों का मंदिर बना रहेगा। यानी महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए और उनका ध्रुवीकरण करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुंबई के प्रसिद्ध सिद्ध विनायक मंदिर को लेकर एक पूरी तरह से मनगढ़ंत दावा चलाया गया। ऑल्ट न्यूज ने इस इलेक्शन के चलते फेसबुक पेज महाबिगाड़ी के बारे में ये डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें हमने पॉइंट आउट किया था कि कैसे ये पेज लगातार भ्रामक और सांप्रदायिक कंटेंट शेयर कर मतदाताओं को धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहा है।